साधको अब शक्ति मंत्र बोलेंगे। मंत्र है ओम शिव शक्ति ओम। ये कुंडलिनी मंत्र है। इसमें देह वस्तु दो प्रकार से बनाते हैं। एक साफ निर्मल निखरा हुआ स्वच्छ अंतरिक्ष है। उस अंतरिक्ष में अद्वितीय सुंदर स्त्री लाल साड़ी पहने हुए सोने का मुकुट लगाए हुए तीन नेत्रों को धारण किए हुए शरीर में सोने के आभूषण हैं। वो मंद मंद मुस्कुरा रही है और आपकी ओर देख रही है, यानी कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप। दूसरा, भगवान शंकर के बगल में माता पार्वती विराजमान है। इस स्वरूप को भी देह वस्तु बना सकते हैं। जिसकी जिस साधक की जो इच्छा हो, जैसा इच्छा, जैसा अच्छा लगे, जिधर उसकी भावना हो, जिस स्वरूप में, उस स्वरूप को भजे। वैसे ज़्यादातर साधक जो आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, भगवान शंकर और माता पार्वती के स्वरूप को ध्यान को के स्वरूप को ध्येय वस्तु बनाते हैं। मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप को भी कर सकते हैं। लेकिन जो साधक मन को शरीर के ऊपरी भाग में केंद्रित करके ध्यान करते हैं, तो वो अंतरिक्ष वाला स्वरूप को ध्यान करते हैं। ठीक है, शक्ति मंत्र को इस तरह बोलेंगे। मंत्र है ओम शिव शक्ति ओम। इस मंत्र में जो शब्द है ओम शिव शक्ति, शक्ति शब्द पे ध्यान देना। तो जब हम ती बोलेंगे तो थोड़ा सा लंबा कर देंगे, शिव शक्ति ओम, ऐसा करें शक्ति ओम। मतलब जब ती बोलेंगे तो थोड़ा सा दीर्घ कर देंगे। अब मैं बोल के बताता हूँ। ओम शिव शक्ति ओम शिव शक्ति शिव शक्ति। अब मेरे साथ बोलें और प्रयास करें कि सभी साधकगण एक साथ ही उनकी ध्वनि निकले, सभी साधकों की। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.